नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रीमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज विद्यार्थियों के परीक्षाओं को लेकर के। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी ने जो बड़ा बयान दिया है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल ग्रीमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही व सटीक न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं चुरू के दैनिक भास्कर के संस्करण में दोस्तों आज ये न्यूज प्रकाशित हुई है 5 जून 2021 को। आप यहां पर देख सकते हैं चुरू के प्रभारी मंत्री है भंवर सिंह जी भाटी। तो कल वो चुरू आए हुए थे तो उन्होंने दोस्तों परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीटिंग और भी कारणों से की थी, लेकिन जब उनसे कॉलेज परीक्षाओं के बारे में पूछा गया तो ये आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया जाएगा कॉलेज परीक्षा का निर्णय। सीधा दोस्तों मैं आपको वहीं पर दिखा देता हूँ कि उन्होंने कॉलेज परीक्षाओं को लेकर के क्या कहा है और उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के, पानी की समस्या को लेकर के बात की है। लेकिन दोस्तों, हमारा एजुकेशनल पर्पज का ये चैनल है इसलिए मैं आपको वहीं पर दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये आप साफ साफ देख सकते हैं, इस दौरान उन्होंने कॉलेज परीक्षा को लेकर भी दोस्तों जो बात कही है वो आप देख सकते हैं। कॉलेज परीक्षाओं को लेकर के कहा है कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने वह भी बात की कि जो भी निर्णय होगा विद्यार्थी का स्वास्थ्य व करियर को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। पिछली बार भी हमने यूजी और पीजी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया था। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो बात कही है वो देखने वाली यही है कि जो भी निर्णय होगा वो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। यानी इस ऐसा कोई भी निर्णय नहीं किया जाएगा कि जिससे हम विद्यार्थियों की लाइफ को है वो डेंजर में डालें। 1% भी ये हम प्रयास नहीं करेंगे कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके उन्हें फिजिकली एग्जाम देने के लिए है। हम उन्हें पूरी तरीके से कहें कि आप फिजिकली एग्जाम देने के लिए आएँ। तो दोस्तों, इस जो स्पीच दिया गया है उनके द्वारा कहा गया है, इसकी क्या मायने निकलते हैं ये तो 10 जून को ही देखना होगा जब कमेटी का है वो डिसीजन आ जाता है। लेकिन यह बड़ी अपडेट यही है कि उन्होंने साफ साफ कहा है जो भी डिसीजन होगा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए होगा। आप भी दोस्तों इस न्यूज़ को चुरू के दैनिक भास्कर के संस्करण में है वो देख सकते हैं, जिससे कि न्यूज़ की प्रूफ और ऑथेंटिसिटी बनी रहे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा दोस्तों, जब मैं आपको कहता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर के उसको देख सकते हैं तो आप ज़रूर देखिए ज़रूर, उससे पहले आप कमेंट मत कीजिए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीधा ही कमेंट कर देते हैं कि सर न्यूज़पेपर में आया ही नहीं, वो देखते भी नहीं और सीधा कमेंट कर देते हैं। आप देखिए पहले, उसके बाद में यदि दोस्तों आपको नहीं मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर आपने हमें वह प्रूफ के साथ दिखाया फिर भी हमको नहीं मिला। तो दोस्तों, मैं आपकी उस कमेंट का है वो ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले प्रूफ चेक कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल ग्रीमा बोथरा के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।